हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म 211 की, जो कि निकोलस केज की एक काफी जबरदस्त क्राइम एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत में अफगानिस्तान में रॉय नाम का एक आदमी अपने पैसे बैंक में ट्रांसफर करवाता है, जिसमें उसने अलग अलग देशों से काफी पैसे चोरी करवा कर उसे बेनामी खातों में डाला होता है और वहां उसकी असिस्टेंट उसके काम की तारीफ करती है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और वहां से वो लोग दुबई जाने वाले होते हैं और वहीं पर एक धमाका होता है और उनके सारे गार्ड्स को स्नाइपर से एक आदमी मार रहा होता है और फिर वहां पर दूसरे गुंडे की एक पूरी टीम उनकी गाड़ियां उड़ाने लगती है और उनके सारे गार्ड्स को मार देते हैं और तब रॉय अपनी कार में भागने जाता है और वहीं पर गुंडे उसकी गाड़ी को ठोक देते हैं, जिसमें उसकी असिस्टेंट कार से भागती है और तब गुंडे उसे मार देते हैं और फिर रॉय को वो लोग पकड़ कर बाहर निकालते हैं, जिसमें रॉय ने उन्हीं से दूसरे देशों में पैसे चुरवाए होते हैं और फिर उसने उन्हें मरवाने का ट्राई किया था, लेकिन वो लोग बचकर रॉय से बदला लेने आए होते हैं। साथ ही उन्हें उनके चुराए हुए पैसे भी चाहिए होते हैं, जिसमें वो लोग रॉय को गोली मारते हैं और तब रॉय बताता है कि उसने अमेरिका के एक बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करवाए और वहाँ से 3 दिन में वो कैश में निकालने वाला है और तब वो गुंडे रॉय को वहीं पर मार देते और वहाँ से निकलते। और फिर हमें अमेरिका में ऑफिसर माइक नज़र आता है, जो कि शहर में अपने पार्टनर को लेने जाता है और वहाँ की स्कूल में कैनी नाम का एक लड़का वॉशरूम में आता है और तब कुछ गोरे लड़के आकर कैनी को पकड़कर उसे बाथरूम में डराते हैं और उसका मुंह वॉशरूम में डालते हैं, जिसमें वो एक लड़के को मारता है और वहीं पर एक टीचर आकर उसे देख लेता है और तब कैनी वहाँ से भागता है। शहर के दूसरी तरफ हमें ऑफिसर स्टीव नजर आता है और वो माइक के साथ पुलिस में होता है, साथ ही वो माइक की ही बेटी लिसा का पति भी होता है और वहाँ लिसा स्टीव को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और तब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो दोनों बच्चों के नाम सोचते हैं, जिसमें स्टीव को माइक नाम पसंद होता है लेकिन लिसा को यह नाम पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके पिता हमेशा अपने काम में डूबे रहते थे और उसकी माँ के कैंसर से मौत हो चुकी थी, तभी भी वो लिसा को सपोर्ट नहीं दे पाए थे। और तब स्टीव बताता है कि उनके उनके काम में रहने की वजह से ही शहर सेफ है और इसी वजह से ऐसा हुआ था। और वहाँ लिसा अपनी माँ को कभी भी माइक का सपोर्ट ना मिलने की वजह से दुखी होती है और वो स्टीव को हमेशा उसका साथ देने कहती है, जिसमें स्टीव हाँ बोलता है और तब लिसा खुश होती है। दूसरी तरफ स्कूल में प्रिंसिपल कैनी की माँ से बात करती है और वो बताती है कि कैनी हाथापाई करता है और तब उसकी माँ बताती है कि वो गोरे लड़के उसे परेशान कर रहे थे और तब प्रिंसिपल कैनी को ये कंप्लेंट उनके पास करनी चाहिए थी ये बताती है और कैनी को सज़ा मिलेगी और इसी वजह से उसे एक दिन पुलिस वालों के साथ गुजारना होगा, जिसमें वो पेट्रोलिंग के दौरान बुरे लोगों को देखकर सुधर सकता है और तब वहाँ उसकी माँ भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। और फिर माइक स्टीव के घर आता है और तब स्टीव उसके पास आता है, जिसमें माइक लिसा को हाय बोलता है और वहाँ से दोनों निकलते। दूसरी तरफ एक बैंक में मैनेजर पैसे भरवा रहा होता है और उनके पास आज मिलियंस डॉलर लेने के लिए रॉय आने वाला होता है और वहाँ मैनेजर बैंक ओपन करने वाला होता है और फिर स्टीव माइक को बताता है कि वो नाना बनने वाला है और तब माइक काफ़ी खुश हो जाता है, जिसमें स्टीव माइक को लिसा से एक बार बात करने कहता है। दूसरी तरफ एक खाली फैक्ट्री में सभी चोर अपने हथियार तैयार करते हैं और वहाँ का सारा सामान लेकर वो अपने एक साथी को आगे बढ़ने कहते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है और वो वहाँ पर बॉम्ब लगा देता है और फिर वो वेटरस को टिप देकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ स्टीव और माइक पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ स्टीव कैनी के नाम को पढ़ता है, जिसमें उन्हें कैनी को अपने साथ रखना होता है और तब दोनों आकर कैनी से मिलते हैं, जिसमें स्टीव कैनी से काफ़ी सख्ती से बर्ताव करता है और फिर वो दोनों वहाँ से उसे लेकर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, जिसमें उन्हें एक शॉप के बाहर चोरी के बारे में पता चलता है और तब वो लोग उस शॉप के बाहर आते हैं और वहाँ एक भिखारी को वो दोनों पकड़ लेते हैं और वहाँ माइक अंदर शॉप वाले से बात करता है, जिसमें माइक उस चोर का सामान देखता है और उसमें से चोरी की हुई आइटम निकालकर उसे पकड़ने के लिए दूसरे ऑफिसर्स को बुलाता है।
दूसरी तरफ बैंक के पास एक गाड़ी आती है और उसमें से सारे चोर निकलते हैं और वो लोग अंदर जाकर बैंक में सबको पकड़ लेते हैं, जिसमें वो मैनेजर को वॉल्ट ओपन करने कहते हैं और उसके खोलने पर वो लोग उसमें पैसे भरने लग जाते हैं, जिसमें बाहर की तरफ चोरों के ड्राइवर को वहां पर माइक की गाड़ी दिखती है और उसमें से स्टीव खाना लेने जाता है और ये चीज वो ड्राइवर अंदर बताता है। और फिर माइक की गाड़ी में कैनी अपने फोन में देख रहा होता है और तब माइक उसका फोन लेकर गाड़ी में रख देता है और वो दोनों स्कूल की घटना के बारे में बात करते हैं, जिसमें कैनी बताता है कि वो गोरे लड़के उसे परेशान करते हैं। और तब माइक कैनी के लिए दुखी होता है, जिसमें स्टीव वहां पर आता है और वहां माइक बैंक के सामने कार को नो पार्किंग में खड़ी देखता है और तब अपनी कार को वो उसी तरफ लेता है और ये चीज वो चोर भी देखता है और वो लोग दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बॉम्ब फुड़वा देते हैं। और माइक के गाड़ी में भी ये चीज पता चलती है, जिसमें उन्हें वहां पर आने कहा जाता है, लेकिन माइक पहले उस गाड़ी को चेक करेगा ये बोलता है और वो आगे बढ़ता है और तब वो ड्राइवर चोर बाहर आकर माइक की गाड़ी पर गोली चलाने लगता है और ये चीज वो अपनी पूरी टीम को बताता है और वहां से माइक अपनी गाड़ी पीछे लेता है, जिसमें माइक अपनी गाड़ी ठोक देता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में धमाके से काफी सारे लोग घायल होते हैं और वहां ऑफिसर आकर सभी चीजें देखते हैं और वहां के आसपास की चीजों में उन्हें लगता है कि आतंकवादी हमला हुआ होगा, लेकिन वहां पर बाकी ऑफिसर्स को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली होती, जिसमें उन्हें माइक का मैसेज मिलता है और तब वो लोग वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ माइक बाहर आकर उन चोरों पर गोलियां चलाता है, जिसमें स्टीव कार में टीम से बात करता है और बैंक में चोर सबको पैसे जल्द से जल्द भरने कहते हैं। और फिर कार में से स्टीव बाहर आता है और वो चोरों पर गोलियां चलाता है, जिसमें बाकी चोर भी बाहर आकर गोलियां चलाते हैं और वहां बाकी ऑफिसर्स आ रहे होते हैं, जिसमें स्टीव कैनी को कार में से बाहर निकालता है और तब वो अपना फोन भी ले लेता है और वहां से वो लोग माइक की तरफ जाते हैं, जिसमें स्टीव को एक गोली लगती है और तब माइक उस चोर को काफी सारी गोलियां मारकर घायल कर देता है और वो चोर एक गाड़ी में भागने जाता है और तब माइक उस चोर को कार में ही मारकर उसकी गाड़ी ठुकवा देता है और वहां पर स्टीव की हालत खराब होती है और तब माइक एम्बुलेंस बुलाता है और फिर माइक स्टीव के घाव को बांधता है, जिसमें उसे कुछ भी नहीं होगा ये वो बोलता है और वहां बाकी ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें बैंक में से चोर भी बाहर आकर सबसे लड़ने तैयार होते हैं और वो लोग बाहर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें स्टीव की हालत खराब हो रही होती है और तब कैनी उसे संभालता है और वहां से चोर बाहर ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ लिसा ऑनलाइन न्यूज में बैंक के बाहर की चोरी और रेस्टोरेंट में हुए धमाके के बारे में देखती है और फिर स्टीव अपने फोन में लिसा और अपने होने वाले बच्चों के लिए अगर उसे कुछ हुआ तो अपना ख्याल रखने कहकर एक वीडियो बनवाता है, जिसमें कैनी उसका वीडियो निकालता है और वहां लिसा उसे फोन लगाती है जो कि नहीं लग रहा होता और फिर सभी ऑफिसर्स और चोरों के बीच में गोलीबारी चलती है, जिसमें वहां पर ऑफिसर्स मर रहे होते हैं और वहां माइक वहां से ऑफिसर्स के साथ स्टीव को लेकर निकलता है, जिसमें कैनी वहां पर एक कार के अंदर छुप जाता है और फिर वहां से एम्बुलेंस में स्टीव को लेकर वहां से एम्बुलेंस निकलती है, जिसमें वहां पर स्वैट टीम आ रही है, ये चीज माइक को पता चलती है और तब माइक को याद आता है कि वो कैनी को भूल गया है और वो उसे ढूंढने आगे बढ़ता है और वहीं पर माइक को लिसा का फोन आता है और तब माइक उसे बताता है कि स्टीव को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और तब लिसा अपने घर से निकलती है और फिर रात होती है, जिसमें बैंक के बाहर स्वैट टीम आ चुकी होती है और माइक वहां पर चोरों की पूरी जानकारी सबको देता है और वहां माइक अपने पार्टनर के घायल होने से दुखी होता है, जिसमें उसने कैनी को खो दिया होता है और तब ऑफिसर लेट होते हैं और माइक इसी वजह से उन पर भड़क कर वहां से निकलता है और फिर बैंक के अंदर सभी चोर बात करते हैं, जिसमें वो लोग पहले मिलिट्री में थे और उन्होंने काफी सारे लोगों को मारा था और वहां से भी वो लोग काफी आसानी से निकल जाएंगे ये वो बताते हैं, जिसमें वो लोग बाहर आकर होस्टेजिस को तैयार करते हैं और वहां पर मैनेजर चोरों को धमकाता है और तब एक चोर उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ पूरी स्वैट टीम तैयार होती है और सबको वो आगे बढ़ने कहती है, जिसमें माइक भी वहां से गन लेकर दूसरी तरफ से कैनी को ढूंढने जाता है, जिसमें वो स्नाइपर से कैनी को एक कार में ढूंढ लेता है
और फिर स्वैट टीम एक गाड़ी लेकर आगे बढ़ती है और बैंक के अंदर चोर भी हॉस्टेजिस के साथ तैयार होते हैं। और तब तक माइक आगे बढ़कर कैनी को बचा लेता है और वो वहां से निकलता है। और फिर हॉस्टेजिस के बाहर आने पर स्वैट टीम उन्हें देखती है, जिसमें उन्हें एक हॉस्टेज के पॉकेट से बॉम्ब मिलता है, जिसमें उसे ऑफिसर लेकर भागता है और वहीं पर फटकर वो मारा जाता है। और वहां से बाकी टीम अंदर जाती है, जिसमें चोर उन पर गोलियां चलाते और बॉम्ब भी फुटवाते हैं। और वहां ऑफिसर्स की हालत खराब होती है, लेकिन फिर भी वो लोग एक चोर को मार देते और बाकी चोर दूसरी तरफ से बाहर आते और वो लोग ऑफिसर्स को मार रहे होते, जिसमें एक चोर को गोली लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। और दूसरा चोर वहां से भागता है, जिसमें माइक उस पर गोलियां चलाता है और वहां वो माइक को गोली मारता है और वो चोर उसे मारने वाला होता है। और तब कैनी उस चोर को मार देता है और फिर वहां पर बाकी स्वैट टीम भी आती है। कुछ देर बाद माइक और कैनी साथ में होते हैं और वहां कैनी की माँ आकर उसे देखती है और तब वो ठीक है ये वो बताता है। और वहां पर लिसा भी आकर अपने पिता से मिलती है। एक साल के बाद माइक सुबह सुबह वॉक करके अपने घर पर आता है और तब वहां पर सभी लोग उसका बर्थडे मनाने आए होते हैं, जिसमें माइक वहां पर उसके परिवार की तस्वीर देखता है और लिसा उसे उसकी पोती को संभालने कहती है। और तब माइक हाँ बोलकर आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये काफी खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूले। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।